सब बहुत ज्यादा भावुक है, आंसू आ गए। सब बहुत ज्यादा भावुक है इस परिवार में, ठीक है। आंसू की वजह क्या है आपकी? इन्हें सेवा करिए, अब उनको मिस भी तो करेंगे। ये घर काफी भावुक है क्योंकि आज आखिरी दिन है, मेरी भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई है, पर कोई नहीं, बप्पा यहाँ नहीं तो यहाँ जरूर होंगे। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पहली बार अब आप ही ढोलक बजा रहे थे, एक बार बजा के दिखा दीजिए। कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाए। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, बप्पा का भजन है, बजाइए बजाइए ढोलक बजाइए। बप्पा मोरिया। नमस्ते दर्शकों, मैं आलिया राजपूत भारत 24/7 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हूँ दिल्ली के मदनगिर, एक जगह है वहां लेके आई हूँ मैं एक ऐसा परिवार जो पिछले कई सालों से गणपति बप्पा को धूमधाम से और उल्लास से सेवा करते आए हुए हैं। पिछले 10 दिन से इस घर में बप्पा विराजमान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है प्यारे से बप्पा इस परिवार के, और इनफैक्ट हम सबके बप्पा हैं। यहाँ पे नंदी जी भी विराजमान है, ये सारी पूजा की सामग्री है, और ये परिवार गणपति बप्पा को बहुत मानता है। और सिर्फ ये परिवार नहीं, हमारा पूरा भारत देश गणपति बप्पा को अलग अलग परंपराओं से लेके आता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के भक्तों से, बप्पा की संगत से, इस परिवार से, क्योंकि आज है विसर्जन का दिन, तो परिवार का क्या कहना है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो सेवा कर रहे हैं। आइए, क्या नाम क्या है आपका? मोहिनी। मोहिनी जी, कब से आप बप्पा लेके आ रहे हैं अपने घर में? हम लास्ट 5 ईयर्स से बप्पा जी को अपने घर पे लेकर आ रहे हैं, और इसे धूमधाम से उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। कि मतलब 10 दिन के ही बप्पा होते हैं, हमेशा से 10 दिन के ही रहे हैं? हाँ, हम पूरे 10 दिन अपने घर में गणपति बप्पा को रखते हैं, लास्ट डे उनका विसर्जन करते हैं। आज हम विसर्जन करेंगे, अभी उनका आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कैसा, कैसी भावना है, क्योंकि 10 दिन काफी उल्लास से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, और बप्पा का एक बेस्ट फ्रेंड वाला रोल होता है हम लोग के साथ में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज विसर्जन, आज बप्पा यहाँ से मतलब चले जाएंगे? हाँ, आज बप्पा अपना गांव तो चले ही जाएंगे। आपने बड़ा रोने वाला सवाल पूछ दिया। इस बार तो हम रो ही देंगे कि हाँ, बहुत मेहनत 10 दिन से करते हैं, आज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो तो है ही, रूल तो भेजे गए, अब क्या कर सकते हैं। सब बहुत ज्यादा भावुक है, आंसू आ गए। सब बहुत ज्यादा भावुक है इस परिवार में, ठीक है। आंसू की वजह क्या हुई? आंसू की वजह क्या है आपकी? इन्हें सेवा करिए, अब उनको मिस भी तो करेंगे 10 दिन। पर बप्पा तो हमेशा साथ ही रहते हैं ना, मतलब क्या उल्लास रहेगा पिछले के, अगले साल आएंगे बप्पा, वो एक्साइटमेंट रहेगी, अगले साल आएंगे उसके लिए, उनका इंतजार करेंगे, अगले साल के लिए वेट करेंगे उनका। क्या भोग क्या लगाते हैं बप्पा को आप बड़े प्यार से? मोदक का भोग लगाते हैं, 10 दिन पूरे 10 दिन अलग अलग मोदक बना के लगाते हैं, हर फ्लेवर के मोदक बना के। जैसे जैसे आज हमने पान के मोदक चढ़ाए, आपने उनके हाथ में देखे ही होंगे। हाँ, आइए बात करते हैं इस परिवार के दूसरे सदस्यों से। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आज लास्ट दिन है? खुशी है, बहुत खुशी है, और बहुत अच्छा लग रहा है, मगर विसर्जन हो रहा है, दुख भी है, नम है काफी आंखें आपकी। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है बस। क्या रूटीन कैसे रहता होगा आपका, मतलब रोज का रूटीन क्या है बप्पा के साथ में आपका? सुबह उठो, पूजा वूजा करो, नहाओ धो पूजा करो, और फिर शाम को भी वही पूजा वूजा करो बस। वो मिस करेंगे आप? वो करेंगे बस। पर एक उत्साह तो होगा आपके अंदर कि अगले साल फिर से एक नए बप्पा, नई संगत, नए भक्त होंगे, साल का इंतजार रहेगा बस। तो ये तो, और क्या कुछ अलग हुआ है पिछले साल के बप्पा से? मतलब हर साल आते हैं आपके घर बप्पा, पर इस साल कुछ अलग था? कुछ हाँ, बहुत अलग था, सब कुछ अलग था। जैसे हमारे को बहुत कुछ दिया उनकी सेवा करने के लिए, और हमने इस बार उनकी बहुत सेवा करने की कोशिश करी, हम जितनी कर सकते थे उतनी हमने उनकी सेवा करने की कोशिश करी है। बहुत हर साल पप्पा ने हमें बढ़ाया ही है, हर साल बढ़ाया है, कि हमने उनकी हर साल बढ़ के ही सेवा करी है। तो
दर्शकों वही है कि अगर आप दिल से अपने भगवान को मानोगे, भगवान स्वयं शायद आपको ना आके दर्शन दे, पर वो साक्षात आपके घर में, आपके दिलों में विराजमान है। ये घर काफ़ी भावुक है क्योंकि आज आखिरी दिन है, मेरी भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई है, पर कोई नहीं, बप्पा यहाँ नहीं तो यहाँ ज़रूर होंगे। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, पुढ़च्या वर्षी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जल्दी से ये साल बीते और अगले साल फिर से हमें उनकी सेवा करने का मौका। और कौन कौन है आपके परिवार में जी? हमारे परिवार के लोग आज बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि अभी हमें विसर्जन करना है, तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए। और ये सारे भक्त हैं? ये सारे हमारे भक्त हैं, हमारे मेहमान हैं जो आज आए गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो सब इंतजार कर रहे हैं विसर्जन का, कि हम विसर्जन करें और सब उसमें शामिल हो सके। आइए दर्शकों जानते हैं बप्पा के भक्तों से जो यहाँ कीर्तन में, उनके भजन में मगन है। कैसा लग रहा है आपको आज विसर्जन है? पहले भी आप यहाँ पे आए हैं? हर साल आते हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मोहिनी मैम ने हमें इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मैम है आपकी? हाँ जी, मेरी कलीग है, स्टाफ है ये मेरा। ओके, ये आपका सब फर्स्ट टाइम आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब बप्पा के साथ कोई कभी कोई कनेक्शन फील किया है? कब से मानते हैं बप्पा को? काफ़ी टाइम से मानते हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश विसर्जन में आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। काफ़ी अच्छा। तो यहाँ अभी भजन कर रहे हैं? हाँ जी। ये ढोलक आप ही बजा रहे थे? नहीं, नहीं, ये बजानी थी। अच्छा, आइए। क्या नाम है आपका? नितिका। नितिका नाम है। नितिका, पहली बार आए हैं आप? हाँ जी, यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार आए, अब आप ही ढोलक बजा रहे थे, एक बार बजा के दिखा दीजिए। कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बप्पा का भजन है, बजाइए बजाइए, ढोलक बजाइए। ये है बप्पा के वो दो भक्त जो हर साल इस परिवार में आते हैं, जानते हैं इनका हर साल का एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप हर साल इस परिवार में आते हैं? मैं यहाँ पे काफी टाइम से आ रही हूँ, जब से यहाँ पे आए हैं मुझे बुलाया जाता है, मैं हर साल आती हूँ। अपने घर पे तो नहीं, लेकिन बप्पा के यहीं दर्शन होते हैं, इनसे यहीं मिल पाती हूँ। जो भी है, बप्पा से बहुत कनेक्शन है। भजन किया आपने आज? अभी तो नहीं किया, अभी आई हूँ मैं, इन लोगों की लेट हो गए आप। हाँ, इन लोगों की वजह से मुझे गणपति के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं। महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या कहूँ मैं, किधर मतलब मेरा एक यहाँ से जो रिश्ता इस वजह से जुड़ा हुआ है, आज फिर एक साल के लिए फिर मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगी, अब अगले साल फिर मैं आऊँगी। कितना मिस करोगे आप? बहुत मिस करूँगी मैं। सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा मिस करूँगी यहाँ पे इन लोगों का बुलाना, गणपति के लिए भजन अपने गाना। काफी ज्यादा भावुक है सारा, सारी संगत, सारे भक्त। आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यही पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, आप नेबर हैं इस परिवार के? जी। तो हर साल आप तो सारी विधि, सारे पूजा आरतियों में सम्मिलित हाँ, होती होंगी हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत, मतलब बोल ही नहीं सकती कि मतलब कैसा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भावुक है। कोई नहीं, पप्पा अगले साल फिर आ जाएंगे, अभी क्यों भावुक होना है? अभी मतलब दोनों टाइम पूजा में आना और भजन कीर्तन करना, मतलब था 10 दिनों से, तो आज लगातार यही चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि मतलब क्या मांगा है बप्पा से? मतलब क्या मांगना, भगवान जो अपने से हाँ, ये क्या मांगा है बप्पा से? घर की सुख शांति, घर का परिवार सब सुखी रहे, सब लोग जिनकी भी जो मनोकामना हो सब पूरी हो, और एक हमारे सदस्य की तरह 10 दिन घर में रहना बस, और कोई चला जाए तो कितना तकलीफ होता है। चलिए, ये तो देख लिया आपने भावुकता। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बप्पा के लिए हैं। आओ जल्दी जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ओके, किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। कहाँ रहते हो आप? मंदिर के। मदनगिर रहते हो, और यहाँ पे आप क्यों आए हो? क्योंकि बप्पा के लिए आए हो ना? हाँ, बोलो गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। बप्पा से बात की है कभी?
प्रसाद खाया है? ये दीदी ने प्रसाद दिया? क्या दिया प्रसाद में? मोदक। मोदक दिया है। पप्पा को बहुत मोदक पसंद है। हाँ, आपको ही पसंद है। आज तो पप्पा चले जाएंगे, कैसा लग रहा है? पप्पा चले जाएंगे, मिस करोगे? कितना सारा? बस सारा। चलिए, ये तो थी छोटी सी, एक और छोटी सी प्यारी सी। हमारी पप्पा के भक्त है और शायद काना भक्त भी है, इन्होंने भी एक तिलक लगाया हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका किस क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ। सेवेंथ में पढ़ते हो। कहाँ रहते हो? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी, मेरा दिल्ली में ही, मतलब यहीं पे है। ओके, किस लिए आए हैं आप? पापा के विसर्जन के लिए। पापा के लिए विसर्जन के लिए पप्पा चले जाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है, मिस करोगे पप्पा को? यस। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। भजन कर रहे थे आप अभी यहाँ बैठ के? मेरे घर में भी आए हैं छोटे। अच्छा, पप्पा आपके घर में भी आए हैं, तो विसर्जन हो गया उनका? अभी नहीं, कल। कल है उनके यहाँ पे विसर्जन, इसलिए आप अभी पहले यहाँ पे आए हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भजन करना पसंद है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सबसे फेवरेट वाले भगवान कौन है? कृष्णा। कृष्ण जी हैं। पप्पा रूठ जाएंगे। सारे भगवान ही हैं। हाँ, सारे भगवान ही, ऑलमोस्ट सारे भगवान ही हैं। तो एक बार पप्पा का जयकारा लगा दो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, पूरा परिवार और साथ में सारे बप्पा के भक्त, बच्चों से लेके बड़ों तक सारे ही भावुक है, क्योंकि पिछले 10 दिन से आपका रोज पूजा करना, बप्पा को भोग लगाना काफी भावुक है। जैसे ये परिवार भावुक है, आप भी भावुक होंगे। कोई नहीं, बप्पा सबके दिल में है, आपके, मेरे, हमारे पूरे भारतवर्ष के दिल में बप्पा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर और शेयर करना मत भूलिएगा हमारी परंपरा को।